बड़ी खबर बनासा से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए वाहन चोर गिरोह को धर दबोचा है। वहीं चार मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। अगर देखा जाए तो चोरी में प्रयुक्त वाहन सहित कुल 8 वाहन यहां पर जब्त किए गए हैं। आरोपी प्रहलाद पिता मंगीलाल माली उम्र 30 साल निवासी हांडी पिपल्या और मनोहर प्रताप गोवर्धन माली उम्र 25 साल इनको गिरफ्तार किया गया। लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा सघन कार्रवाई क्षेत्र में की जा रही थी, तो इसी के चलते शक होने के आधार पर पूछताछ की गई है और फिर चोरी की मोटरसाइकिल इनसे बरामद की गई है। पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं पुलिस टीम में सराहनीय कार्य किया है थाना प्रभारी मनासा KL दांगी और पूरे स्टाफ ने। और कितने आरोपी है? और आज हमने 2 आरोपी मनोहर माली और प्रहलाद माली से पूछताछ कर उनसे गिरफ्तार करके 8 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद की है। जो चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है उनमें 4 मोटरसाइकिल थाना मनासा से चोरी हुई है, 1 थाना कुकलेश्वर और 1 थाना रामपुरा की। 2 और मोटरसाइकिलें इनसे बरामद हुई है जिनके बारे में जाँच की जा रही है और वो जहाँ के प्रकरण संबंधित होगी वहाँ पर उनकी इत्तला कर दी जाए। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है जहाँ से पुलिस रिमांड लिया गया है। दोनों से और पूछताछ की जा रही है और भी गाड़ियाँ जिससे मिलने की उम्मीद है। कहाँ से गिरफ्तार किया इनको? ये दोनों ही हमारे मनासा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और दोनों को मंदिर की सूचना पर कि ये वाहन चोरी कर रहे हैं। विगत दिनों में कुछ गाड़ियाँ हमारे क्षेत्र से चोरी भी हुई थी जिसको लेकर के हमारी चीता पार्टी और पूरी टीम लगी हुई थी। मुखबिर के द्वारा सूचित करने पर इनको उठाया गया, पूछताछ किया गया। प्रारंभिक तौर पर इनके द्वारा इनकार किया गया लेकिन हिकमत अमली से पूछताछ करने पर इनके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है और जितनी भी गाड़ियां इनने चोरी की सब गाड़ियां बरामद कराई है। इनसे और पूछताछ की जा रही है और